यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। आप सभी लोग जिस तरीके से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अपना प्यार बरसा रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जैसा कि हम सभी लोगों ने एक ऐसी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था जिसमें कॉमन मैन से लेकर VIP तक हम सभी लोगों को कवर करेंगे। हर इंसान, आपको भी पता होगा कि VIP को ही कवर करना चाहता है क्योंकि उससे उसकी पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन नहीं, हमारा मकसद अब तो VIP को तो कवर करना है, लेकिन सबसे पहले जो छुपे हुए हैं आपकी तरह, या और लोग जो हैं अपने आप को छुपा रहे हैं या वो छुपे हुए हैं, अपने टैलेंट को ना तो दिखाना चाहते हैं और वो ना दिखाना चाह रहे हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऐसी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया और पहुंच पड़े धड़ल्ले से भाई साहब के घर पे। और जब भाई साहब के घर पे पहुंचे तो भाई साहब खुशी भी हुई और बहुत इन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया कि कलाम आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत लोग कम ही कर पाते हैं। तो मैं बस ज़्यादा ही टाइम ले रहा हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं हमारे भाई साहब की कहानी, प्लीज़ उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, आइए सुनते हैं। तो प्लीज सर, जिस तरीके से आप अपनी UPSC की तैयारी में लगे हुए हैं, 2.5 से 3 साल होने जा रहे हैं आपने बताया, और मैं चाहता हूं प्लीज सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताकर अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर जाहिर करें। सबसे पहले तो कलाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस मंच पर, अपने यूट्यूब चैनल पर बोलने का मौका दिया। अगर मैं बात करूँ अपने बारे में, तो मेरा नाम मोहम्मद आमिर सैफी है और मैंने 2018 में 12th पास करने के बाद में सिविल सर्विसेज के फील्ड में कदम रखा, और 2018 से लेकर अब तक लगभग 2.5 साल के अंतराल में मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ। 2022 में मैं अपना सिविल सर्विसेज का पहला अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ। अच्छा, तो वैसे सर आपकी क्वालिफिकेशन हम जान सकते हैं? अगर मैं बात करूँ अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मैंने तो 12th पास किया, उसके बाद में ग्रेजुएट किया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से। अच्छा। उसके बाद मेरा इसी वर्ष 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और इसी वर्ष मेरी 21 वर्ष एज हुई है, इसी वजह से 2022 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे पाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, हम सभी लोगों की वैसे आपके प्रति बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप क्रैक करो, आप भी अपने आप को अव्वल लेके आओ। लेकिन थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप वो क्रॉस कर सकते हो? एबिलिटी की बात की जाए तो UPSC अपने नोटिफिकेशन में हर साल कहती है कि हमें कोई सुपरमैन या फिर बैटमैन या फिर कोई ऐसा सब शक्तिमान व्यक्ति नहीं चाहिए अपने ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमें एक कॉमन पीपल चाहिए जिसकी जो एनालिटिकल पावर और जो उसका माइंडसेट एक सामान्य नागरिक की तरह सोचने के योग्य हो। तो अगर इसी अगर पैरामीटर में अपने आप को रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हाँ मेरे अंदर वो काबिलियत है, हाँ मैं UPSC की उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ, हाँ शायद मैं आने वाले टाइम में कुछ बदलाव या कुछ चेंजेस इस समाज में ला सकूँगा। इसी मकसद के साथ मैंने इसमें कदम रखा और इंशाल्लाह मैं इसे पूरा भी करूँगा UPSC IAS बनके। IAS बनना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में? तो ये सपना, या मैं कहूँगा आपका जो एम है, सपना नहीं कहूँगा क्योंकि आपने अगर कोटा फैक्ट्री देखी होगी तो उसमें उन्होंने मना कर दिया था, जितू भैया मना करते हैं कि सपने तो सिर्फ देखे जाते हैं, पूरा तो एम ही किया जाता है। तो आपका जो एम है IAS बनने का, है ना सर, तो ये किसी को देख कर आया था या फिर आपके फैमिली वालों ने प्रेशर किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है, जब मैंने 12th पास किया था तो मैं सच्ची बताऊँगा कि मुझे UPSC के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा। उस समय मेरा मकसद था IIT क्रैक करना, जैसे कि आपने बताया कोटा फैक्ट्री, क्योंकि जो बच्चा मैथ से क्वालिफाई करता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है IIT बस। इसीलिए IIT को उद्देश्य से हमने प्रयास किया, बट उसी दौर में हमें मुझे UPSC के बारे में पता लगा तो इंटरेस्टिंग लगा इस सुनने में, और उसी टाइम मैंने अपने 12th में अपने डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक हासिल किया था। तो मैं उसी टाइम हमारे ज़िले के DM से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, तो उधर से थोड़ा मोटिवेशन मिला। उसके बाद घर पे आके YouTube के हेल्प से, बड़े भाइयों की मदद से, बड़े टीचरों की मदद से सर्च किया, पता लगा UPSC होता क्या है, तो उसमें और दिलचस्पी बढ़ी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें दिल रमता गया, और आज उस तब का दिन है और आज का दिन है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्रिपेयर एक्चुअल में ऑलमोस्ट कर चुके हैं आप, 2.5 सालों से आप लगातार कर रहे हैं। तो क्या सर हम आप लोगों का जो स्टडी का टाइम है वो जान सकते हैं कि एक्चुअल में स्टडी क्वांटिटी के आधार पर करना चाहिए या क्वालिटी के आधार पर? अगर क्वालिटी के आधार पर कर रहे हैं तो क्या 2-3 घंटे में क्वालिफाई हो जाएगा क्या?
बेसिकली ये क्वेश्चन हर यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछा जाता है। हाँ हाँ, यानी यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट से क्वेश्चन पूछे तो भले ही क्वेश्चन नहीं करे, बट कोई नॉर्मल बंदा पूछता है तो लाजमी है क्वेश्चन पूछना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्वान्टिटी ऑफ एजुकेशन, तो यूपीएससी में अगर आप नॉर्मली 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं विद टोटल फोकस, तो डेफिनेटली नामुमकिन नहीं है आप क्रैक कर जाएंगे यूपीएससी, अगर प्रॉपर गाइडेंस है तो। अच्छा, अगर हाँ तो ये प्रॉपर जो गाइडेंस है एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब डेफिनेशन क्या है प्रॉपर गाइडेंस? प्रॉपर गाइडेंस की डेफिनेशन ये है कि सबसे पहले तो यूपीएससी देने से पहले हमें जानना पड़ेगा यूपीएससी हमसे चाहती क्या है। लोग जो 5 अटैम्प 6 अटैम्प पूरी लाइफ निकाल देते क्रैक नहीं कर पाते, दिक्कत का होती साथ में उनके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जान ही नहीं पाते हैं कि यूपीएससी चाहती क्या है हमसे। दैट इज द पॉइंट, वो रोट लर्निंग में लगे रहते हैं, वो रट्टू तोता बन जाते हैं, लेकिन यूपीएससी रट्टू तोता नहीं मांगती, वो एक सामान्य व्यक्ति मांगती है, फिर नोटिफिकेशन रिलीज करती कहती है हमें सामान्य व्यक्ति चाहिए जिसमें एक जिसका सोचने की क्षमता और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग स्किल और हाउ टू टेक डिसीजन इंस्टेंटली कैसे लिया जाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो अगर हम प्रॉपरली यूपीएससी को समझे जाने, तो मैं मानता हूँ कि इस यूपीएससी जर्नी को आप 1 साल में कड़ी मेहनत के साथ क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी ऐसा नहीं किया क्योंकि आप अभी तैयारी में लगे हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी अभी एज नहीं हुई है, एज भी नहीं, क्योंकि यूपीएससी क्राइटेरिया में 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेकंड थिंग आप 21 होना चाहिए। 21 मैं अभी तक ना ग्रेजुएशन था मेरा और ना ही मेरी 21 एज थी, तो अब इस साल मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और 21 एज में मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और आप अपने आप को ऑलमोस्ट प्रिपेयर भी कर चुके हैं इसके लिए? हाँ, प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी जैसा कि सब जानते हैं यूपीएससी फर्स्ट एग्जाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ना होकर अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। या दैट इज द पॉइंट, नया पॉइंट मिला है, आप देख सकते हैं। इसमें आप कभी पूर्वानुमान लगा ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है पेपर में या फिर क्या आने वाला है पेपर में, तो इसीलिए 100% तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो होता हूँ सफल। हाँ बिल्कुल, होंगे आप सफल और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, अपने बताया भी कि स्टडी में आपने जो है 5 से 6 घंटे दे रहे हैं, है ना, 5 से 6 घंटे दे रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 से 6 घंटे हों, और ऐसा कोई वो भी नहीं है कि 10 से 12 घंटे हों, कभी कभी 15 घंटे भी होता है तो कभी 2 घंटे भी रह जाता है ना। अब क्योंकि व्यक्ति की जो क्षमताएँ हैं वो तो सीमित हैं, अब उन सीमित क्षमताओं को किस कार्य के रूप में लगा रहा है डिपेंड वो करता है। तो सर एक जो चीज़ है स्टूडेंट की लाइफ में, आपकी जो उम्र है अभी 20 की भी नहीं हुई, आप कह रहे हैं 20 की हो गई है ना, तो स्टूडेंट की लाइफ में यूपीएससी की तैयारी करते हुए दौरान काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं ना, उसकी कहें तो मेंटल लेवल भी उसका ग्रो करता होता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल, तो सर इस तरीके से जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कैसे आप मात दे पा रहे हैं, कैसे फोकस कर पा रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कलाम भाई कि डिस्ट्रैक्शंस के अलावा हम बात करें तो बहुत से ज़्यादा डाउट्स होते हैं और बहुत से बर्डन, लाइक इकोनॉमिकल बर्डन, सोशल बर्डन, आसपास से गाइडेंस ना होना, उसके बाद भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं कुछ मेंटल होते हैं। मेंटल डिसलाइक दैट टॉपर्स को सुन रहे हैं, टॉपर्स कह रहे हैं कि हमने इतने इतने घंटे पढ़ाई करी, हमने ये करा हमने वो करा, और आप वो नहीं कर पा रहे थे, मेंटल बर्डन। और फिजिकल स्ट्रेस की हम बात करें तो लाइक मेंटल स्ट्रेस, हाँ फिजिकल और आसपास के स्ट्रेस भी होते हैं, और सोशल मीडिया वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, मैं बोल सकता हूँ आप बोल सकते, मैं मानता हूँ सिविल सर्वेंट हम सोशल मीडिया में बहुत कुछ देख देती है, और ऐसा भी नहीं मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, बट फेसबुक और व्हाट्सअप जैसे सोशल मीडिया ना यूज़ करके हम इनसाइट IAS, विजन IAS, इंडस्ट्री IAS जैसी वेबसाइट को सर्च करें एज अ सोशल मीडिया, तो ये हमारा इनपुट के रूप में होगा, आउटपुट के रूप में हमारा कुछ ना कुछ सिविल सर्विस में कोई रैंक हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो क्या आपने अभी तक कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन झेला जो स्टूडेंट भी झेलते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक्चुअल में आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है वो क्या क्या झेलता होगा,
तो कुछ प्लीज़ एक जो अगर पॉइंट्स हों तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि आपने अभी तक अपनी जर्नी में ऐसा कौन सा डिस्ट्रैक्शन झेला है अपनी लाइफ में, क्या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी या जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहे थे। डिस्ट्रैक्शन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्या कमी है, मतलब क्यों नहीं हो पा रही पढ़ाई, क्यों प्रॉपर मैं अपने पाथ पर नहीं दौड़ पा रहा हूँ। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ वो बदायूं शहर में हुआ। बदायूं शहर इतना विकसित या इतना विकासशील नहीं माना जाता, और UPSC के लिए तो आसपास के जो ज़िले हैं बरेली या फिर पीलीभीत, आप इनको भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस का ना होना पहली बात, दूसरा उस स्टैंडर्ड के टीचर्स की अनुपलब्धता, तीसरा उस तरह का एनवायरनमेंट ना मिलना। यदि आपको उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह का परिवेश मिलेगा तो डेफिनेटली आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, है ना। तो ये मैं मानता हूँ कि ये मेरा ड्रॉबैक है, शायद ये ड्रॉबैक मैं अपना फुलफिल कर सकूँ तो मेरा हो, तो मैं इसमें जल्दी कामयाब हो सकता हूँ। तो आप सर क्या एक ही कमरे में हर समय बैठ के पढ़ते रहते हैं या कहीं ना कहीं अपना टाइम दूसरे लोगों को भी देते हैं? एक ही कमरे की तो क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने सर्च किया था कि एक रूम में बैठा हुआ है इंसान और वो बस 16 घंटे उसने मान लिया है कि यहाँ से हटना ही नहीं है, तो क्या ऐसा? ये तो मैं अगर मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात करूँ तो मेरी बात करूँ कोरी बकवास है। कोई भी बंदा 16-18 घंटे पढ़ ही नहीं सकता, नहीं पढ़ सकता। तो टॉपर्स हैं जो भी कोई बोले तो आप समझ लीजिए कोरी बकवास है, कुछ नहीं हो सकता। मैक्सिमम बंदे की लिमिट मैक्सिमम पढ़ लेगा वो 12 घंटे, उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि उसका माइंड कार्य नहीं करेगा, बिकॉज वी आर नॉट रोबोट, वी आर ह्यूमन बींग। हाँ, और ह्यूमन बींग की अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में अगर हम काम करेंगे, आप कर लेंगे 18 घंटे काम एक दिन, अगले दिन करके दिखाएंगे 18 घंटे। तो इसीलिए आप लिमिट में पढ़ें जितना आपसे पढ़ मिल जाए, और अपने आप को पॉजिटिव रखें तो ऐसे एक्शन मिलने की ज़्यादा संभावना है। संभावना है, यानी 100% अभी श्योरिटी नहीं है लेकिन संभावना है जरूर। या श्योरिटी तो आपने अनप्रेडिक्टेड वैसे ही बोल दिया था शब्द, श्योरिटी तो लाइफ में भी नहीं है। बिल्कुल, क्या पता कि हम अगले क्षण क्या होने वाला है हमारे साथ। बिल्कुल, तो ये तो एक एक अधूरा सा एग्जाम है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आप अपने बहुत कुछ बताया कि आपने क्या क्या लाइफ में फेस किया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ UPSC, तो बहुत अच्छी बात हमें ये लगी कि हम आमिर भाई के पास में आए और उन्होंने बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स को हिट किया जो स्टूडेंट्स बोल नहीं पाता या फिर उसे बोलने नहीं दिया जाता। तो सर एज अ स्टूडेंट, एज अ UPSC एस्पायरेंट, आप क्या स्टूडेंट को ऐसा बोलना चाहते हैं जिससे शायद उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके आपकी इस इनिशिएटिव से? हाँ, सबसे पहले तो मैं बात ये कहना चाहूँगा, जो भी UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं आज के टाइम में, या तो UPSC छोड़िए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इंडिया में कंपटीशन बहुत अधिक है। तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने आप को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आप ये कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को चुना है इस लाइक, तो अगर आप अपनी कड़ी मेहनत से ये कर सकते हैं पहली बार। और दूसरी बात, UPSC की बात करें तो UPSC एग्ज़ाम ऐसा है कि हर 14 दिन लगेगा आपको कि नहीं होगा हमसे। वही 14 दिन अगर करना होता, अगर उस 14 दिन आपको अपने आप को हैंडल कर लिया तो डेफिनेटली 5वें दिन आपका अच्छा होगा। तो ये बात आप याद रखें, और याद रखें कुछ मेरे टिप्स जो मैंने अनुभव किए हैं, लाइक बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेप्स होते हैं इसके, तो उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, उसकी गाइडेंस क्या होंगी, उसको आप प्रॉपरली अपने आसपास जो भी गाइडेंस प्रोवाइडर हो उससे गाइडेंस लेते रहें, और बिना किसी झिझक के कि आपको आपका मीडियम क्या है, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, बिना किसी इसके परेशानी चिंता के आप प्रॉपरली पूरी तरीके से कार्य करें इस क्षेत्र में, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, जैसा कि हमारे भाई साहब ने इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बयां किया और बहुत से कुछ पॉइंट्स को अभी आप सभी लोगों के सामने रखा, आशा करते हैं ये पॉइंट्स आपके लिए हों, सभी लोगों के लिए जो जो इस वीडियो को देखेंगे और जो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएंगे उन सभी लोगों के लिए लाभकारी ये वीडियो सिद्ध हो। तो चलते हैं इसी आशा के साथ में कि एक नया कंटेंट, एक नया उद्देश्य और एक नया वे, यानी कि राइट वे ऑफ नॉलेज को हम प्रस्तुत करेंगे एक नए अंदाज में। इसी आशा के साथ चलते हैं, जय हिंद और जय भारत।